डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग और उनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है सिंगल स्कैफोल्डिंग। सिंगल स्कैफोल्डिंग ब्रिक मशीनरी में काम में आती है, ठीक है। ब्रिक मशीनरी में हम सिंगल स्कैफोल्डिंग काम में लेते हैं। सेकंड है डबल स्कैफोल्डिंग या फिर मेसन्स स्कैफोल्डिंग, इसको हम स्टोन मशीनरी वर्क में काम में लेते हैं। डबल स्कैफोल्डिंग या फिर मेसन्स स्कैफोल्डिंग। थर्ड है ट्रेस्टिल स्कैफोल्डिंग, ये रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए काम में आती है, रिनोवेशन पर्पज़ के लिए काम में आती है और पेंटिंग वगैरह के लिए ये काम में आती है, ठीक है। ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग, तो तीनों मैंने आपको बताए थे, सिंगल स्कैफोल्डिंग ब्रिक मशीनरी के लिए, डबल स्कैफोल्डिंग जिसको मेसन्स स्कैफोल्डिंग बोलते हैं स्टोन मशीनरी के लिए, इसके अलावा ट्रेस्टल स्कैफोल्डिंग ये रिपेयरिंग के लिए, रिनोवेशन के लिए काम में आती है और पेंटिंग के लिए काम में आती है, ठीक है। इसके अलावा स्टील स्कैफोल्डिंग, स्टील स्कैफोल्डिंग काम में आती है फॉर इरेक्शन ऑफ RCC और स्टील कॉलम और बीम्स इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में बीम्स, स्टील कॉलम और RC कॉलम को हम इरेक्ट करते हैं तो स्टील स्कैफोल्डिंग काम में आती है। इसके अलावा सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग काम में आती है पेंटिंग और रिपेयरिंग वर्क के लिए। जब रूम के आउटसाइड हमको एक्सटर्नल वॉल पर अगर पेंटिंग करनी है तो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग काम में आती है। अगला है कैंटीलीवर स्कैफोल्डिंग, अपर पोर्शन ऑफ द वॉल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। जब दीवार का अपर पोर्शन कंस्ट्रक्शन में हो तो हम कैंटीलीवर स्कैफोल्डिंग काम में लेते हैं। स्कैफोल्डिंग वो पोर्शन होता है जिस पर खड़े होकर जो मजदूर है वो वर्क करता है, ठीक है। जो दीवार अपन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन अपन करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसको बनाने वाला मजदूर होता है उसके खड़े रहने के लिए जो प्लेटफॉर्म हम तैयार करते हैं उसको स्कैफोल्डिंग बोला जाता है, ठीक है।